सी हर तरह। ऐसी माँ ना होती जो अपने बच्चों के हर सच और झूठ में उनका साथ देती है। मुझे डर है कि मेहरबानों का सामना उस लड़की से दोबारा ना हो जाए, वरना उसको फिर से दौरे पड़ सकते। कहीं मेहरबान फिर से पागल ना हो जाए। ये तो मेहरबानों को मारना चाहती थी। अरे क्या कसूर था उस बिचारी का, क्यों मारना चाहती थी उसे? ठीक है, मैं रिकॉर्ड निकलवा के स्टेटस देख लेता हूँ, फिर हम इस केस को अदालत में ले चलते। नहीं, फिलहाल मुझे अदालत में नहीं जाना। इतने अरसे बाद अब इस केस को क्यों खुलवाना चाह रहे? सामना करना चाह रहा हूं उसका। मेहरबानो, एक बात तो बताओ, तुम पागलखाने कैसे पहुंच गई थी? लो भाई, ये मैं तुम्हारे लिए और फूल ले आया। रो रही हो क्या? जी, कांटा चुभ गया था। एहतियात किया करो भाई। कितनी भी एहतियात कर लो, जो किस्मत में लिखे होते हैं वो कांटे चुभ ही जाते हैं। क्या हुआ इसको? मुझे क्या मालूम, शायद उसे अपना माजी याद आ गया हो। आपने रजा से पूछा उसके फैमिली के बारे में? नहीं, और तुम भी नहीं पूछना भाई, वो दुखी है बेचारी। क्या दुख है उसे? हमें क्या, हम क्यों उसके माजी के पीछे पड़े? बेटा कहाँ चले गए थे? मैं तो रात भर बहुत परेशान रही। मेहरबानों का पता करने गया था पुलिस स्टेशन। कैसी है मेहरबानों, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। खालाजान, माफी तो मुझे भी मांगनी है उससे, लेकिन पता नहीं वो माफ करेगी भी या नहीं। वो है कहाँ? कल बुलवाया पुलिस वालों ने, रिकॉर्ड देख कर बताएंगे। वो खाना, कैसी तबीयत है आपकी बीवी की? डॉक्टर नासिर ने क्या कहा? मैं किसी और काम से आया हूं आपके पास। जी बोले। डॉक्टर साहब, मुझे एक पेशेंट के बारे में पता करना है। किस पेशेंट के बारे में? मेहरबानों नाम है उसका। इस नाम की तो कोई पेशेंट नहीं आई आपने। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे पुलिस स्टेशन से तो यही बताया गया है कि उसको यहां भेजा गया था। पुलिस ने यहां भेजा था या पुलिस केस था? देखिए, मैं किसी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ मेहमानों से मिलना चाहता। लेकिन मैं तफसील में जानना चाहता हूं। मेरा मतलब था कि
जब तक आप हमें डिटेल में नहीं बताएंगे पेशेंट के बारे में, हम शायद आपको कुछ भी ना बता सके। और देखिए, वैसे भी हम किसी पेशेंट के बारे में सर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो क्या मुझे उससे मिलने के लिए किसी लॉयर को लाना पड़ेगा? ये मेरा ये मतलब नहीं था, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप क्यों जानना चाहते हैं उसके बारे में। अंगेतर थी वो मेरी, और अब मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि उसे पुलिस ने यहां भेजा है। डॉक्टर साहब, मेरी मां के कत्ल का इल्जाम था उस पर, और दूसरा झूठा इल्जाम उस पर यह लगाया गया कि वो पागल हो चुकी है, इसीलिए उसे यहां भेजा गया आप लोगों के पास पुलिस के मुताबिक। देखिए, हमें देखना पड़ेगा, यहां बेशुमार पेशेंट्स होते हैं और हर पेशेंट के बारे में हमें याद नहीं होता। तो चेक कीजिए अपना रिकॉर्ड, पता कीजिए कि मेहरबानों का है। सॉरी डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा मिलना बहुत जरूरी है मेहरबानों से, झूठा इल्जाम लगाया गया है उस पर। यह बात आपको कैसे पता? आप कैसे कह सकते हैं? भागदामन है कि कुदरत ने उसकी गवाही के खुद असबाब पैदा कर दिए। उस पर इल्जाम लगाने वाले आज बोल पड़े, और जो उसे पागल कहता था वो खुद ही पागल बन गया। उसका पागल करने वालों में से आप भी तो एक हैं। मेरा मतलब था कि शायद आपने भी उसकी बात का यकीन ना किया। डॉक्टर साहब, अपनी उसी गलती की तो तलाफी करना चाहता हूं मैं। किस तरह करेंगे आप तलाफी? अपने साथ लेके जाऊंगा, ख्याल रखूंगा उसका, शादी करूंगा, सारी जिंदगी खुश रखूंगा, खिदमत करूंगा उसकी। और आपको लगता है कि वो आपसे शादी कर लेगी? पता नहीं, शायद हाँ, हाँ कर लेगी। माफी मांगूंगा उससे, माफी मांगूंगा तो माफ कर देगी। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि वो कहाँ है, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी। वो लड़की यहां से भाग गई है। यहां से कैसे भाग सकती है? और आप लोगों ने ढूंढा क्यों नहीं उसे? जिन मरीजों के घर वाले उन्हें लावारिस छोड़ते थे, उन्हें कोई नहीं ढूंढता। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। देखें, जहां तक मुझे याद पड़ता है उसे मुकम्मल तौर पर पागल करार दे दिया गया है। शायद ये वजह थी कि उसके घर वालों ने या पुलिस ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसे तो पागल खाने में दाखिल करना। इसे तो पागल खाने में दाखिल करना। रजा, तुमने अब तक चेंज नहीं किया? मेहरबानों नीचे इंतजार कर रही है, उसे शॉपिंग पे ले जाओ भाई, कल तुम्हारा निकाह है उसके साथ। भाई, कुछ दिनों के लिए निकाह को रोक दे रहे। पर क्यों? आज हसन फिर आया था, वो मेहरबानों को ढूंढ रहा है। तो
क्या वो केस को फिर से शुरू करना चाहता है? उसे पता चल गया है कि मेहरबानों पे कसूर, तो अब वो मेहरबानों को अपने साथ वापस लेके जाना चाहता है। तो तुमने मेहरबानों को सब बता दिया है? डैड मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं मेहरबानों को क्या बताऊं और क्या नहीं, और ये कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। पर हसन को पता है कि मेहरबानों कहाँ है? नहीं, ये बात मैंने हसन को नहीं बताई थी। मैं नहीं चाहता था कि हसन को मेहरबानों के बारे में कुछ भी पता चले। तो क्या उस वक्त तुम्हारे दिल में मेहरबानों को खो देने का खौफ हावी हो गया था? देखो, मेरा नहीं ख्याल कि मेहरबानों पर उसके माजी की कोई परछाई पड़े। जैसा तुमने कहा कि वो फिर से पागल हो जाएगी। लेकिन मैं उसे हकीकत नहीं छुपा सकता। हकीकत तो ये है कि जब उसे लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया था तो तुम उसे जिंदगी की तरफ वापस लाए थे, और अब तुम फिर से उसको उस जंजाल में धकेलोगे। भाई वो नीचे तैयार हो गई है, तुम आओ उसे शॉपिंग पे लेके जाओ। यूं राहें मिली थम से गए ये फासले, दिल मसला हुआ कागज कोई कैसे लिखे, जहां छांव थी वहीं धूप थी, सूरज ने धोखा दिया, नहीं रह सके कभी आंख में भीगी पलकों से आंसू गिरा, जिंदगी तूने ही हमें धोखा दिया। अंकल ने खामखा शॉपिंग के लिए किया, मुझे भी उन्होंने जबरदस्ती पैसे दिए कि मेरा जो जी चाहे मैं खरीद। उन्होंने कहा था, सख्ती से कह रहे थे कि मेहंदी जरूर लगाना। आपको मेहंदी पसंद है रजा? हाँ, सॉरी। मैंने आपसे पूछा आपको मेहंदी पसंद है? हाँ हाँ, बहुत पसंद है। कहीं चल के बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, साथ में कुछ खा भी लेंगे। ठीक है। मेहरबानो, मैं तुम्हें एक सिचुएशन में डालना चाहता हूं। कैसी सिचुएशन? अच्छा, फर्ज करो कि अगर तुम्हें फिर से मौका मिल जाए कि तुम अपनी उसी जिंदगी में वापस चली जाओ, तुम्हें फिर से मौका मिल जाए कि तुम हसन से शादी कर लो, तो तुम क्या करोगे? हसन से? हाँ, हसन से। किस किस्म का सवाल है? मतलब यही कि हसन अगर तुम्हारी जिंदगी में वापस आता है, तुमसे माफी मांगता है और तुमसे शादी का कहता है, सिंपल। रसन, मैं अब अपने माजी को याद नहीं करना चाहती, मैं अपने माजी को बिल्कुल भुला देना चाहती हूँ। मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, तुम प्लीज टेंशन नहीं लो, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। रिलैक्स। नहीं, आप कोई सवाल यूं ही नहीं करते। आप जानना चाहते हैं कि क्या मैं हसन को अब भी याद करती हूँ? इसका जवाब है नहीं। हमें नजामिया, क्या शॉपिंग की आप लोगों ने आज? मेहरबानों तो कुछ ले नहीं रही थी, मैंने जबरदस्ती की है तो कुछ लिया, इनफैक्ट आपके और मामा के लिए भी लिया। तो ये है कहाँ?
बस डैड चेंज करके आ ही रही होगी। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। ना बेटा, क्या शॉपिंग कर रही? अंकल बहुत सारी चीजें ली, बल्कि आपके लिए और आंटी के लिए भी ली। आपके लिए तक शर्ट ली है। ओ जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी शर्ट है। ये देखें भाई, मेहरबानों शर्ट लाई है हमारे लिए। ठीक है मेहरबानो, तुम आ गई हो तो मेरे साथ डिजाइनर के पास चलो, तुम्हारे निकाह का जोड़ा लाना है। आओ मेरे साथ। जाओ जाओ जाओ। और रजा, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कोशिश की थी मेहरबानो को हसन के बारे में बताने की, फिर वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रही थी। लेकिन मैं एक कोशिश और करूंगा। अरे भाई, जब वो इस बारे में बात करना ही नहीं चाह रही तो क्या जरूरत है कोशिश करने की? सब मेहरबानो डॉक्टर रजा के साथ चली गई। हाँ, वो मेहरबानों की शादी डॉक्टर रजा के साथ हो रही है ना। दाखिल करा दो, खैर मेहरबानों की तस्वीर है आपके पास, ताकि उस तस्वीर को दिखा के उसके बारे में कुछ पता कर सकूं। हो कि कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, शायद उस तस्वीर की वजह से उसको कुछ पता चल जाए। मेरी डॉक्टर रजा से बात हुई थी, शायद उन्हें याद नहीं है कि मेहरबानो कौन है। आप एक काम कीजिए, आप ये तस्वीर नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा और मुझे पता लग जाएगा कि ये कहाँ है। सर, डॉक्टर रजा की परमिशन के बिना हम इसे नोटिस बोर्ड पे नहीं लगा सकते। यार किस किस्म के लोग हैं आप लोग, कोई कॉपरेशन नहीं है। मैं केस कर सकता हूँ आप लोगों पे। सर आप एक मरतबा फिर डॉक्टर रजा से बात करें, वही आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और प्लीज सर, इस तरह गुस्सा ना करें। मैं अभी आपके स्टाफ से पूछ चुका हूँ, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रजा आज नहीं आए। जी डॉक्टर रजा आज छुट्टी पर हैं, वो कल या परसों वापस आ जाएंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। सर मैं आपसे ज्यादा इंतजार करने का कह भी नहीं रहा हूँ, डॉक्टर रजा आज छुट्टी पर हैं, आज उनका निकाह है, वो कल या परसों वापस आ जाएंगे। Excuse me? जी आप जानती हैं? हाँ ये यही होती थी, फिर डॉक्टर रजा ने अपने साथ ले गए। क्या मेहरबानो डॉक्टर रजा के साथ चली गई? हाँ वो मेहरबानो की शादी डॉक्टर रजा के साथ हो रही है ना। डॉक्टर रजा का नंबर बंद आ रहा है, घर का एड्रेस है उसके? जी नहीं, आप अगर चाहें तो रिसेप्शन से ले सकते हैं। मुझे डॉक्टर रजा के घर का एड्रेस चाहिए। सर हम आपको एड्रेस तो नहीं दे सकते, अगर आप नंबर चाहें तो मैं आपको दे देता हूँ। नंबर तो ठीक है, ठीक।
देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें एक पल में मैंने देखा और दूसरे पल में पा लिया। हेलो, हाँ क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। सुन, आई नीड अ फेवर यार, सुन तो लो। या अल्लाह, कोई मौजा दिखा दे मेरे मालिक, तू तो माँ के दिल की दुआ सुनता है। मेरी बेटी मुझे लौटा दे। अस्मा, उठ जा बेटा, उठ जा, इससे पहले कि रजा किसी और का हो जाए। उठ जा अस्मा, अस्मा। फरजाना, निकाह के लिए काजी साहब आ गए, आ जाओ। सर, हसन साहब आए थे। क्या कह रहे थे? सर, वो मेहरबानों की तस्वीर लेकर आए थे और कह रहे थे कि इसे नोटिस बोर्ड पर लगा दो। आपने क्या कहा? सर, मैंने कहा कि इस मामले में डॉक्टर रजा से बात करें। ओके। रजा, खैरियत? हसन हॉस्पिटल आया था, हॉस्पिटल से कोई बताने के लिए कॉल आई थी। अहमद साहब, निकाह के लिए लड़की की रजामंदी ले लें। मेहरबानो बेटा, बेटा निकाह शुरू करें। मैडम, अस्मा मैडम की बॉडी में मूवमेंट हो रही है। क्या? तुम जाकर ना रजा को बताओ। साहब जी, हसन साहब आपसे मिलना है। तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ।
से छुपाते रहे, झूठ बोलते रहे तुम। कर लिया तुमने मेहरबानों से निकाह। मुझसे छुपाते रहे, झूठ बोलते रहे तुम। कर लिया तुमने मेहरबानों से निकाह। मेरा मेहरबानों से निकाह नहीं हुआ है सर। क्या मतलब? मुझे तो एक बार फिर उसकी किस्मत उसके आड़े आ गई है, इससे पहले कि वो अपनी किस्मत से टकरा के मर जाए। तो उसे बचा लो हसन। मेहरबानों का है, चली गई है वो अपनी जिंदगी में वापस, इससे पहले कि उसकी तकदीर उसकी जिंदगी में अकेलापन लिख दे। उसका हाथ थाम लो सर। क्यों आए यहां? मैं लौट आया हूं। मैं क्यों? मजीद सजा दिलवाने के लिए? क्या मेरे नाकर्दा गुनाह पर मुझे वापस जेल भिजवाने के लिए क्यों आए हैं? खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो। कैसे ना समझो? क्या नहीं किया आपने मेरे साथ? मेरे नाकर्दा गुनाह पर आपने मुझे जेल भिजवा दिया। मैं बेगुनाह थी, आपने मुझे पागलखाने भिजवा दिया। मेरी जिंदगी में बचा क्या था हसन? आपने मेरी बाकी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मैंने जहर नहीं दिया था। जान चुका हूं सारी हकीकत। सब हकीकत मालूम हो गई कि फरियाद तुम्हें जहर देके मारना चाहती थी और वो जहर दे। जान चुके हैं, अब आप जान चुके हैं कि मैं बेगुनाह थी। तो जब आप मुझे जेल भेज रहे थे, जब मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, आपसे बार बार कह रही थी, तब आपने मेरा यकीन क्यों नहीं किया? आपके जानने का क्या फायदा?
मैं पागल हो गई हूँ हसन, अब मैं पागल हो गई। पागल मैं था मेहरबानो, मैं था पागल जो तुम पे यकीन नहीं करता था, अब यकीन हो गया है मुझे तुम पे। तुम बस मेरे साथ चलो। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं इस पागलखाने में ही रहूंगी। मैंने जब भी यहां से बाहर कदम रखा है, तेरी किस्मत ने मुझे रुलाते वापस भेजा है। अब मैं यही रहूंगी। तो तुम अपने ना करदा गुनाहों की तलाफी करने के लिए जाने अनजाने में, हाँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी, बहुत दुख पहुंचाए, गलती हुई मुझसे, लेकिन मुझे मुझे उसकी तलाफी तो करने दो। मैं मजीद गलती ना करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जोड़ी माफी मांगता हूं मैं, मुझे अपने गुनाहों की तलाफी करने को मैं मानू सिर्फ। मैंने जहर दिया तो मैंने मेरे खाना को जहर दे दी, मैं नहीं देना चाहती मेहरबानों को मार दूंगी, मेहरबानों को मार दूंगी मैं। मेहरबानों ने क्यों नहीं पिया, मेहरबानों ने पिया, उसको मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बुरी नहीं, सबसे बहुत प्यार करती हसन मेरा है, हसन मेरा है, हसन मेरा है, हसन मेरा है, वो मेरे ही हो। मैं जानता था तुम्हारा मेहरबानों, आज वादा करता हूँ तुमसे, आज के बाद कभी भी तुम्हारी पलकों को भीगने नहीं दूंगा। ATV सारे रंग हमारे।